डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में इस देश में महिलाओं की अत्यंत दयनीय हालत है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को यथोचित स्थान देने की कोशिश तो की, परंतु पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर और उनके अधिकारों के ऊपर ध्यान दिया होता, तो आज जबकि 40 वर्षों में हर नवजात शिशु जवान हो जाता है, तो आज उस जवानी के आलम में महिलाएं भी होती। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकार की गलती के कारण महिलाएं आज भी जहां की तहां चारदीवारी में बंद हैं। पैराग्राफ चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मैं विस्तृत रूप से जानकारी महिलाओं के बारे में न दूं, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि इस आयोग में सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, और देहातों में तो हरिजन आदिवासी महिलाएं आज भी जहाँ की तहाँ हैं, निरक्षरता के अंधकार में हैं। इन महिलाओं के को ऊपर उठाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। रोटियां भी दोनों हाथों से बनती है। अगर एक हाथ इंसान का नहीं रहेगा तो वह लूला कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, आदिवासी हरिजन महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको समान अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप आज इस सदन में ही देख लीजिए कि कितनी महिलाएं यहाँ सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उस प्रतिशत से नहीं हैं जिस प्रतिशत से उनको यहाँ होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। मैं जानता हूँ, मैं जनता पार्टी अथवा कांग्रेस की बात नहीं कह रहा, परंतु मैं एक आम बात कह रहा हूँ जो आज के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि उन आर्थिक भेदभाव अथवा सामाजिक उत्पीड़न के किसी अन्य उत्पादन की तुलना में महिलाओं की स्थिति 100 गुना ज्यादा खराब है, जिन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है, जब पिछले सत्र के अंतिम दिन लगभग खाली सभा में महिलाओं संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। अतः मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करता हूं। समाप्त।